सुषम, बलात्कार का प्रचलित रूप में तो हम अर्थ लेते हैं कि जोर ज़बरदस्ती या बलपूर्वक, अगर मैं कहूँ कि रेप का जो प्रयोग किया जाता है वो सीधे अर्थों में देह के शील भंग से लिया जाता है, पर यह देह के उस शील भंग की कहानी नहीं है। दरअसल परंपराओं और धर्म के नाम पर हम मनुष्य के प्रति बहुत बार अन्याय करते हैं, उसकी जो मानवीय गरिमा है उसका हनन करते हैं। ऐसा दरअसल अगर मैं पिन पॉइंट करना चाहूँ तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये फलां घटना से है या फलां स्थिति से है, पर जो कुछ परंपरा के नाम पर, परंपरा के दुरुपयोग के नाम पर या परंपरा के रूढ़ियों के नाम पर, जो लकीर की फकीरी के अर्थ में मनुष्य के देहावसान पर है, उसके मरने पर है, तो मरने पर कई बारी ऐसा हो जाता है कि हम रीति रिवाजों के नाम पर, संस्कारों के, अंतिम संस्कारों के नाम पर, क्योंकि वो व्यक्ति उस समय अपनी इच्छा को प्रस्तुत तो कर नहीं सकता, ना विरोध कर सकता है, तो उसकी विवश स्थिति में चाहे जो अंतिम संस्कार के नाम पर जो क्रियाएं की जाती हैं वो मुझे बड़ा यंत्रणा देती रहीं, पीड़ा देती रहीं। और ये यंत्रणा और पीड़ा बहुत बार हर घर में हो सकता है कि इसको महसूस करने वाले रहे हों पर कह ना पा रही हूँ। मैंने इसके नाम पर मानवीय स्वतंत्रता की, मानवीय गरिमा की बात करनी चाहिए है, जिसका हनन इन परंपराओं और रूढ़ियों के नाम पर किया जाता है। मनपसंद को केवल एक कहानी पर रेखांकित कर देना मुझे लगता है कि ये बहुत सच नहीं होगा, क्योंकि जब रचना करते हैं अपनी तो दूसरों को बल्कि पसंद हो या ना हो, वो अपनी रचना है, वो मोह तो बांधे रखता है। निश्चित तौर पर ये कहानी इस अर्थ में कि ये बहुत चर्चित हुई, हिंदी अकादमी का पुरस्कार भी इस नाम के संकलन को मिला, पर इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो मुझे पसंद हैं। हाँ, इसी किसी यश बटोरने वाली मैं कहूँ तो बहुत शुरू में अनहोनी की भूख करके कहानी आई थी, कहानीकार में शायद छपी थी 7वें दशक में, और उस समय मुझे पता भी नहीं था, और मुझे पता चलता था कि कहानीकार से उसको वो जो हिंद के स्त्री या राजस्थान की किसी पत्रिका में या पंजाब की किसी पत्रिका में उसको उठा लिया गया है। तो ये निश्चित तौर पर अच्छी लगने वाली कहानियाँ भी हैं, पर मनपसंदगी के दायरे की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत सी कहानियाँ हो सकती हैं। जहाँ तक रचनाओं पर किसी विचारधारा के प्रभाव की बात है, अपने समय में जो भी विचारधाराएं, चाहे वो फ्रॉयड से संबंधित हो, मार्क्स से संबंधित हो, अस्तित्व के प्रश्न से संबंधित हो, हम निश्चित तौर पर इनको पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, भीतर कहीं ये जा भी रही होती हैं, पर जो सृजनात्मक लेखक है वो सिद्धांत नहीं लिख रहा होता। इसलिए प्रत्यक्षता की ये कहना कि ये प्रत्यक्ष रूप में यही विचारधाराओं में से ही कुछ आएगा, दरअसल जो भी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं वो हमारे भीतर बहुत धीमे 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 प्रवेश करती हैं, और बड़े ही मंद गति से, बहुत पच कर पक कर
कहीं हमारा बिल्कुल अपनी मनोवृत्ति का रूप लेकर हमारी हमारे स्वभाव के हमारी प्रकृति के अनुकूल बनकर हमारी रचना में से स्फुरित होती हैं। इसलिए ये इसे हम अप्रत्यक्ष तो कह सकते हैं, किंतु वो अप्रत्यक्ष जो प्रभाव होगा उसको हम इनका प्रभाव पड़ा है कहेंगे या नहीं। जहाँ तक लिखना शुरू करने का सवाल है तो मैं कहूँगी कि लिखना तो स्कूल में ही शुरू हो गया था। मुझे याद है कि कोई भी कहानी आलेख या ख़ास तौर पर नाटक खेलना होता था तो बैठे बैठे नाटक लिख लेते थे और उसको खेल देते थे, पर उसी वक्त में कहानी तो लिखी होगी पर छपने के नाम पर जिस परिवार से मैं संबंध रखती हूँ उसका हिंदी से दूर दूर तक संबंध नहीं था, इसलिए छपने के विषय में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी। पहली छपी हुई कहानी जो मेरी स्मृति में है, उससे पहले लिखी तो होंगी पर जो मेरी स्मृति में है, मुझे याद है कि मिरांडा हाउस में सन 1963 या 64 रहा होगा जब पढ़ाना शुरू किया था तो मिरांडा हाउस की पत्रिका में कहानी छपी थी जो मैं स्त्री की रिक्ति या उसके व्यक्तित्व के खालीपन की कहानी थी। आज वो मेरे पास कहानी नहीं है पर जो कहानी है और जिसको कहा जाए कि पहले छपी होगी वो छपी थी 7वें दशक में मेरा ख्याल है, और कहानीकार अतिमर्श और कहानी में ये कहानियाँ रही होंगी और जिसमें जो अनहोनी की भूख का नाम जिसका मैं ले रही थी ये उसी समय छपी थी। एक और रेगिस्तान करके अतिमर्श में आई थी और हंसी हंसी में कहानी में छपी थी। कहानियाँ लिखी थी पर इतना लंबा अंतराल था कि उसके बाद बीच बीच में अंतराल इतना रहा कि कहानी कार के रूप में पहचान वैसी नहीं बन पाई। मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि हम महिलाएं अपने परिवार में अपने अपने जो कामकाज में जो जैसे मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी उसमें हम इतना व्यस्त होते हैं या उन दायित्वों में इतना जकड़े होते हैं कि निरंतर लेखन बहुत बाद में जाकर शुरू हुआ और पहला संकलन बहुत देर में आया, यह कहना चाहिए कि छपती रहीं कहानियाँ अंतराल के साथ साथ किंतु पहला संकलन पैंतरे तथा अन्य कहानियाँ 1990 में आया और उसके बाद और 1990 में पैंतरे तथा अन्य कहानियाँ आया, उसके बाद गलती कहाँ उपन्यास अनकही कहानी संकलन और अनुपस्थित उपन्यास और दो कहानी संकलन विसर्जन तथा अन्य कहानियाँ और जल तप्त समाधि तथा अन्य कहानियाँ, बस मेरा ख्याल है कि किसी भी समय आ सकती हैं।